सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग कैसे हो? तो मैं तो अच्छी नहीं थी, मीन्स थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी बहुत दिनों से, और आप थोड़ी ठीक हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। एंड अभी मौसम थोड़ा बदल रहे तो सभी लोग बीमार है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था। और गाइस मैं आज आई हूँ लाल बाग। वैसे तो पहले भी मैं आ चुकी थी लाल बाग, और लाल बाग तो मैंने पहले दिखाई हूँ मैंने आपको थोड़ी बहुत। और आज ऐसी बोरिंग सी थी मैं रूम पे, तो मैंने सोचा मेरा फ्रेंड लोग यहाँ पे है और हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। जस्ट ये लोग रील्स बना रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं आज मीन्स आज थोड़ी सी फूलों से मतलब डेकोरेट किया गया है थोड़ी थोड़ी जगह पे, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। फिर लाल बाग तो आप सभी ने देखा है, और आप लोग आ सकती हो जो भी नहीं आया है। बेंगलोर लाल बाग हमारा रूम के सामने में 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं चल के आने के लिए। तो वहाँ पे फ्लावर्स जो डेकोरेट किया गया है मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। और वहाँ पर और झरना वाटरफॉल है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन वो तो मॉर्निंग को खोलते हैं ना, तो मैं वो उससे अभी नहीं दिखा सकती। अगर मॉर्निंग को आती तो मैं दिखा सकती थी। और आज लाल बाग को बहुत सारा भीड़, पूरे इतने सारे लोग हैं, वहाँ से मैं आई तो बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, आप देख सकते हो। और क्योंकि आज संक्रांति है तो इसलिए बहुत सारे लोग भी हैं, और आज ना बहुत सारे फ्लावर्स का वो लोग ने सजावट किया, मैं वही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस अभी हम चलते हैं आगे, तो मुझे भी थोड़ी बहुत रील्स बनाना है। आइए मैं दिखाती हूँ उन लोगों का रील्स बनाया हुआ। और यहाँ पे हमारा ग्रुप, और वहाँ पे देखा भैया लोग, हम लोग सब लेके आए थे। और यहाँ पे भाई जो बनाने के लिए काम पे चल ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी क्रिकेट था बड़ा सा, वो कहाँ पे था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ कितने सुंदर गेट है यहाँ पे, पूरे पत्थर से भरा हुआ। बस मैंने ये गॉगल लेके आई थी जब धूप है, तो अभी मैं नहीं पहनती तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ लाइक इस तरह से। ये वाला घास तो अगर ये वाला पत्ता ये पेड़ होती ना हमारा गाँव पे, हम बकरी को काट के खिलाते थे। बकरी ये बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये पेड़ दिखाने आई थी, इतने बड़े बड़े के जड़ भी जड़ी है ना, जड़ है ना। और इस तरफ से ये इसको पेंट किया जा रहा है, मैं वहाँ से दिखाती हूँ। आइए और वहाँ पर लीची नहीं कुछ वो है लाइक क्या है पता नहीं, फ्रूट का था लेकिन पता नहीं क्या है मुझे भी नहीं। मैंने ग्लास डाली थी, बहुत धूप आ रही थी मेरी आँखों पे। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फ्लावर। वाह गाइस, सुंदर है यहाँ पे फूल। और कितने रेड कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, येलो, चलो कितने सारे आज तो भीड़ आ रहे हैं। और क्या पता नहीं किस चीज़ का डेकोरेट कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं या फिर क्या। तो हम लोग इस तरफ जाएंगे और आप देख सकते हो पीछे तरफ बहुत सारे लोग हैं। आज क्या हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, पता नहीं, दिखाएंगे आगे की ओर। ₹30 में बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन देख सकते हो। यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर लोग लगाए गए हैं। वाओ, एंड गाइस और बहुत गर्मी है, धूप की आज बहुत जोरों की बरसात हुई है। और प्रिया को लग रहा है कौन खाया भुट्टा, कहाँ देखी हो, कहाँ पे हो, वो खरीद करना पड़ेगा। नमक मिर्चा क्या है गैस, यहाँ पे देखो कितने अच्छे फूल, ये पेरे फूल यो बीच को हम लोग जाएंगे अभी वहाँ पे जहाँ पे आदमी बैठ चुका है। किस तरह बैठेंगे, किधर भी टपक जाएंगे। मैं बहुत ही थक गई चल चल के। और गैस कितने प्यारे फैमिली है वहाँ पे, दी तो फैमिली से कम नहीं है। गाइस मैं यहाँ पे कुछ दिखा तो नहीं सकती, पर आप लोगों को मैं पेड़ बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, जो यहाँ से इसके जड़ है पूरे, यहाँ से ऐसा होके ऐसा होके, और मैं वहाँ पे जाके बैठती हूँ क्योंकि थक गई हूँ मैं इसलिए। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मैं पूरे थक गई, पूरा चल चल के ना तो। और धूप भी बहुत जोर की है आज, पता नहीं। और फोटो भी अभी तक मैंने एक भी नहीं लिया है, और छोटा एक दो रील्स भी बना लूँ। एंड अभी थक गई हो तो मैं यहाँ पे देखी हूँ। और वहाँ पे मेरा फ्रेंड लोग आ रहा है, मैं क्योंकि मैं वो लोग को रुक के नहीं चल सकती, इसलिए मैं आगे आई थी ब्लॉग बना के, थोड़ा बहुत जगह दिखा के। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए आज घूमने के लिए, बाहर के लोग भी है और सपना। और क्या कहूँ, थोड़ी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बाद में घूम के। अभी मैं थोड़ी सी बैठ जाऊँगी कि मैं थक गई हूँ। तो गाइस अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि धूप है, तो धूप थोड़ा जाने के बाद चलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप था। और ये मेरे हाथ पे जो दाग दिखाई दे रहा है, ये मैंने गरम कुकर पे ऐसा लगा दिया था, मीन्स लगा दिया था नहीं, लग गया था जब खाना बनाती हूँ ना। हर बारी में सब जब डिप टाइम सब सुबह जल्दीबाजी में खाना बना रही थी, तो गरम कुकर पे मेरा हाथ टच हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा चोट हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे फिर जाएंगे क्योंकि देख सकते हो आप बहुत ही धूप है अभी। और बहुत दिनों के बाद मैं लालबाग आई थी, तो बहुत ही वो लगा मुझे चलने के लिए, इतना दिन से मैं नहीं चल रही थी। तो अभी मेरा जूस भी खत्म है। गाइस मुझे अब लग रहा है मैं थोड़ी सी रील्स बनाऊँ ये जगह पर देख के, तो गाइस मैं रील्स बनाती हूँ। मुझे रील्स बनाना है, स्टॉप कर दो। पे मैं फोटो लेती हूँ थोड़ी। सो गाइस अब वहाँ पे रील्स बना रही थी ना जो भाई और मेरे दोस्त लोग, वहाँ पे जाएंगे और मैं बोलती हूँ उन लोगों को थोड़ा आगे और चलेंगे क्योंकि एक ही जगह पे वो लोग रील्स बनाने के लिए भी क्या मज़ा नहीं है ना। और मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, खाली है। और ये बैग जो आप देखते हो ना, ये मेरा बहुत पुराना बैग है। मेरे सबसे खास मेरा सैलरी में मैंने खरीदा था ये ₹250 में, और अभी तक ये है मेरे पास। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा नेपाली लोग आए हैं। और ये जो गाइस ये पूरा सीरियस बीमार था ना ये ना, और जब इसको रील्स बनाना है बोला पूरा इसका लुक आप देखो, पूरा हंसी खिलती है। अच्छा हो गया हो भगवान के आशीर्वाद में। ये मेरा लेडे एक सोलो कपल वीडियो बनाएगा, बोल रहा है इतना सुस्ती खड़ा ही नहीं हो रहा है, ये इधर ही बैठा है तो लेडे दोनों। सो गाइस यहाँ भी देख सकते हो दोनों पूरा रील्स पे बिजी है, और बहुत ही लुक्स लाइक वाव भी दिख रहे हैं कि जिन लोगों का पूरा लुक दिखाती हूँ यहाँ से। ऐसा रेनू एंड वो है अमृता। हम लोग चले दूसरे जगह रेनो वीडियो बनाऊ बनाऊ न यहाँ पीरा मसाला जस्तो बनाऊ गाइस इतना लंबा रील कैमरा रील कौन सा गाना है अबे रामदी हो कैमरा का घड़ी वाली लाइक कमेंट शेयर सब कर देना गाइस। थैंक यू बाय। कोई गाना है तो बनाना बने और हमरे बना पहलो गाना बनाऊं मैं आज बेसी लाइट आई है। बनाने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया पर ये लोग गाना में ठीक से नहीं निकाल रहे, क्या मर जाऊं भाई। एक बार पकड़ी जाओ इतना दम की ना चलो वहाँ Good boy goes to heaven. Good boy goes to Bangkok. गाइस हम यहाँ से अब वहाँ के ओर जाएंगे और जैसे कि मैंने कहा कि लाल बाग पर आज बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे ना घूमने के लिए गाड़ी भी है लेकिन हम चलकर ही घूमते हैं क्योंकि हम हमेशा आते रहते हैं। तो ये साइड देखिए कितना अच्छा गेट दिख रहा है, यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक दो फ़ोटो लेना था पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेती हूँ मैं। और उस तरफ जो आगे मैं आई थी वहाँ पे पिंक कलर का फूल बहुत सारा खिला था, उस साइड पे जा रही हूँ मैं। और वैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी है, ये सब मैंने दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। और मैं वो उस साइड में कभी भी नहीं गई हूँ तो मैं उस साइड जाऊँगी। गाइस यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है पर मुझे नहीं पता है लोगों को। यहाँ पे जो रस्सी लगाया हुआ है शायद गाइस इसका उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि रस्सी पे बाव गया है तो हम लोग को भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतने सारे स्टैचू है, मूर्ति है, महाराजा, राजा, बाबा जी पूरा बनाया गया है और इतना बड़ा सा बनाया है वहाँ पे। गाइस आप देख सकते ऊपर कितने सारे लोग हैं, हम भी जाएंगे आप ऊपर के और माँ कसम से यार इतना थक गया, पेड़ पूरा दर्द दे रहा है मेरा यहाँ पे। चल चल दो बच्चा लोग दिख रहे हैं। आज ना मैंने सोचा था मैं यहाँ पे सबसे फोन ले लेके अपना YouTube सब्सक्राइब करती हूँ लेकिन ऐसा हिम्मत नहीं है मुझमें। तो गाइस हम अब आ चुके हैं हमारे रूम यानी कि घर आ गए हैं और बहुत घूम फिर के मेरा पैर पूरा दर्द दे रहा था और मैंने पहना वाला चप्पल था ना वो इतना बड़ा था वो मेरा पैर में नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा पैर का नंबर है 4 तो आ गया। मैंने 4 मंगवाई थी पर 5 आ गया था पर मैंने उसको एक्सचेंज करने के लिए वो किया था तो तब मैंने लेकर नहीं गई थी वो मेरा वो हमारा ऑफिस था तो मैं नहीं कर पाई। मैं आज वैसे ही चप्पल पहन के चली गई थी क्लिनिक में तो बहुत पैर में तकलीफ हुआ। तो अभी हम घर पे हैं, घूम फिर के आ गए हैं। तो गाइस आज का वीडियो मेरा ऐसा ही था तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करना। और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही थी तो कितने सारे अभी मिस्टेक भी हुआ होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया तो मतलब बात करने के लिए तरीका ही भूल गई मैं तो ऐसा ही था वीडियो। तो मैंने थोड़ा बहुत लाल बाग दिखाया आप लोगों को। आज संडे था तो मैं चली गई थी घूमने के लिए और बहुत मतलब घूमने के लिए मन तो होता है पर संडे छुट्टी मिलता है हम लोगों को तो संडे घर पे रेस्ट कर लेते थक जाते ना काम की वजह से। तो और भी दूर दूर जाने की तो जगह है यहाँ पे बेंगलोर पर बहुत सारा घूमने के लिए लेकिन कभी कभार ना हमारे पास पैसा भी नहीं होता यही तो प्रिया सच है ना। तो सच के लिए घूमने के लिए सच में पैसा भी नहीं होता है कभी कभार ना और ऐसा भी दिन हो जाता है। और यहाँ पे बैठते तो बेंगलोर बहुत कॉस्टली है। और इसके बाद आज का वीडियो हमारा ही था तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पसंद ना आए तो भी करना क्योंकि बहुत ही तकलीफ से आज मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाई थी तो इसलिए। और यहाँ से प्रिया ऐसा करके जा रहा है तो मुझे हंसी आ रहा है वो क्योंकि लाइट का वो मुझे उजाला नहीं आएगा ना तो उसका रोशनी इसलिए वो ऐसे नीचे से चुपके जा रहे हैं। तो सो गाइस आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ बताना कमेंट पर आप कहाँ से देख रहे हो या कहाँ से देख रहे हो। और सो गाइस थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए और मेरा वीडियो इतने सारे प्यार कर रहे हो तो मेरा वीडियो भी अच्छा ही है। अभी तक तो पर मैं बना नहीं पा रही थी तो मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए। और सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय।